हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप यहाँ पर कराऊंगा सोल्जर जनरल ड्यूटी का जोधपुर का पेपर, जो कि 2018 का है दोस्तों। और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन पेपर है, यानी कि पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जो कि 2018 में पूछा गया था। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन नंबर बी वाले क्वेश्चनों की, जहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के, यानी कि दोस्तों आपको जीएस के क्वेश्चन मिलेंगे 15 क्वेश्चन। आपको मालूम होगा जीडी में या ट्रेड मेन में दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं सामान्य विज्ञान के, तो आराम से आप देखेंगे सारे क्वेश्चनों को और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा आप सारे क्वेश्चन लगातार नोट करेंगे। और देखिए दोस्तों, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पर चैनल पर आपको मिलेंगे, डाले गए हैं पहले से। तो यदि आपको और भी पेपर देखने हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का कलेक्शन मिलेगा। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखता है आपको, कमरे के ताप पर डेड एस को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं, यानी कि आपको पूछा गया है एट रूम टेम्परेचर ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्शन ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों रूम टेम्परेचर की, रूम टेम्परेचर जो कि आप ले सकते हैं 22, 25 या 22 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे वाले टेम्परेचर पर दोस्तों यदि आप सारे मेटल को देखेंगे, मेटल यानी कि आप धातुओं को देखोगे, तो ये क्या होती हैं दोस्तों, ये सॉलिड के फॉर्म में होती हैं, यानी कि ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन यदि आप बात करें यहाँ पर मरकरी की, जो कि एक प्रकार से मेटल है दोस्तों, मरकरी यानी कि HG आप इसका सिंबल कहते हैं, तो यदि आप इसको रूम टेम्परेचर पर देखेंगे तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल अवस्था में या फिर आप कहें द्रव अवस्था में होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं रूम के तापमान पर क्या होंगी, ठोस होंगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, यानी कि आपको पूछा गया है नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। यदि आप बात करें दोस्तों डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, तो यहाँ पे देखिए विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो आपका यहाँ पर होता है बेरी बेरी, यानी बेरी बेरी रोग किससे होता है दोस्तों, विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में, बेरी बेरी में। वैसे आप बात करें दोस्तों जो गोइटर होता है, गोइटर यानी कि जो गलघोंटू होता है दोस्तों, ये होता है आपका आयोडीन की कमी के कारण। और वैसे आप बात करें जो स्कर्वी होता है, स्कर्वी होता है दोस्तों विटामिन सी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी के कारण। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डेसिबल किसकी इकाई है, यानी आपको पूछा गया है डेसिबल इज अ यूनिट ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों डेसिबल की, तो डेसिबल यूनिट होती है, इसको आप डीबी के द्वारा दिखाते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से ध्वनि को मापती है, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव को मेजर करती है, या फिर आप कहें उसकी इंटेंसिटी को दोस्तों खास तौर पे मापती है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर आपको देखिए सी वाले में दिया गया है ध्वनि की तरंग की माप, यानी कि मेजरमेंट ऑफ साउंड वेव। तो यहाँ पर आप सी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, यानी आपको पूछा गया है लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पत्तियाँ होती हैं उनका रंग हरा क्यों होता है आपको बताना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ये होता है दोस्तों जो पत्तियों में पर्णहरित होता है, या फिर आप कह सकते हैं क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल उसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपको डी वाला दिया गया है, तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। और क्लोरोफिल के कारण ही दोस्तों जो हरे पौधे होते हैं भोजन बना पाते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, या फिर आप कहें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है दोस्तों, इसी की प्रेजेंस के कारण होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का संकेत क्या है, यानी आपको बताना है व्हाट इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन। यदि आप बात करें दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है, इसका यदि आप सिंबल देखें केमिकली, तो सिंबल होता है ओ। जब दोस्तों आपको केवल सिंबल पूछा गया होगा तो यहाँ पर आप ओ ही में यहाँ पर टिक करेंगे। यदि आपको यहाँ पर गैस कहा जाता है तो वहाँ पर आप O2 कहेंगे। तो यहाँ पर आपको सिंबल पूछा गया है तो आप ऑप्शन नंबर सी वाले में ही टिक करेंगे, ना कि ए वाले में, तो आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपको पूछा गया है
डायलिसिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो डायलिसिस होता है ये किसके ट्रीटमेंट के लिए होता है, यहाँ पर आपको दिया गया है देखिए ऑप्शन नंबर सी वाले में, किडनी फेलियोर के केस में, यानी जब दोस्तों किडनियाँ प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो ऐसे वाले केस में डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। डायलिसिस क्या है दोस्तों, यह एक प्रकार की मैकेनिकल मेथड है ब्लड को प्योर करने की। आपको मालूम होगा जो किडनियाँ होते हैं मेनली क्या करते हैं दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का काम करती हैं, यानी कि जब किडनियाँ काम नहीं करेंगी तो ब्लड का प्योरिफिकेशन नहीं हो पाता, यानी कि वहाँ पर जो यूरिक एसिड होता है या फिर आपके यूरिया होती है दोस्तों उसका सेपरेशन नहीं हो पाता। तो इसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं आप मैकेनिकली या फिर आप कहें दोस्तों वैज्ञानिक तौर पर मशीनी तौर पर एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं जिसके माध्यम से आप डायलिसिस करते हैं यानी कि रक्त को शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एड्स किससे फैलता है, यानी कि आपको पूछा गया है एड्स ट्रांसमिटेड। यदि आप बात करें दोस्तों एड्स जो होता है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आप इसका फुल फॉर्म कहते हैं, ये दोस्तों एक प्रकार के HIV नामक वायरस या फिर आप कहें विषाणु के कारण फैलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में दिया गया है देखिए वायरस, तो यहाँ पर आप वायरस में टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन एक संक्रामक रोग है, यानी कि आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक किन्हें कहते हैं दोस्तों आप, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं आपको रेबीज दिया है या डायबिटीज दिया है या हाइपरटेंशन दिया है या कैंसर दिया है। यहाँ पर दोस्तों जो रेबीज आपको दिया गया है, रेबीज जो कि खास तौर पे बंदर के काटने से या पागल कुत्ते के काटने से या बिल्ली के काटने से होता है, तो यहाँ पर आप कह देंगे रेबीज दोस्तों एक प्रकार से कम्युनिकेबल यानी कि संक्रामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा डेड एस में है, यानी कि आपको पूछा गया है लाइट ट्रेवल्स एट मैक्सिमम स्पीड इन। यदि आप बात करें दोस्तों लाइट के ट्रेवलिंग की मैक्सिमम स्पीड कहाँ पर होगी, जो लाइट होती है दोस्तों इसकी स्पीड होती है मैक्सिमम वैक्यूम में, वैक्यूम कहने का मतलब है निर्वात में सर्वाधिक होती है। वैसे माना जाता है दोस्तों एयर में और वैक्यूम में सेम माना जाता है, लेकिन जो मैक्सिमम होती है निर्वात में ही होती है, यानी कि जहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं होगा, यानी कि जहाँ पर एयर भी एब्सेंस होती है ऐसे मीडियम को दोस्तों वैक्यूम कहते हैं। तो वहाँ पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होती है लाइट की, क्योंकि जो लाइट होती है एक प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है या फिर आपके ट्रांसवर्स वेव होती है जिनके लिए दोस्तों माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में वैक्यूम में। यदि आप बात करें दोस्तों लाइट की चाल की यानी कि लाइट की स्पीड, ये दोस्तों यहाँ पर होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मनुष्य कितनी आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है, यानी कि आपको पूछा गया है मैन कैन हेयर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज। यदि आप बात करें दोस्तों मैन हियरिंग रेंज की, यानी कि जो व्यक्ति के मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है दोस्तों या फिर आपके उसकी प्रास जो होती है रेंज जो होती है, ये आपके यहाँ पर होती है 20 Hz से लेके 20 kHz तक, या फिर आप कह सकते हैं 20,000 Hz तक यहाँ पर सुनने की प्रास होती है, यानी कि इतनी रेंज को दोस्तों आप कहते हैं ऑडिबल साउंड, यानी इनको आप श्रव्य तरंगे कहते हैं। यदि आप दोस्तों इससे ऊपर जाएंगे तो वो आपकी कहलाती हैं अल्ट्रा सोनिक, यानी कि पराश्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है, जो कि मानव के सुनने के रेंज के ऊपर होती हैं, यानी इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों वो आपकी 20,000 Hz के ऊपर होती है। और वैसे आप बात करें इससे नीचे दोस्तों, यदि आप 20 Hz के नीचे आएंगे तो ये कहलाती है आपकी इन्फ्रा सोनिक, यानी आप इनको कहते हैं अपश्रव्य ध्वनियाँ। अपश्रव्य कहने का मतलब है मानव इन्हें दोस्तों सुन नहीं पाता है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में 20 Hz to 20 kHz, 20 Hz to 20,000 Hz, या फिर आपको यदि दिया होगा दोस्तों आपका 20 kHz तो वहाँ पर भी यहाँ पर आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की डेड एस कहते हैं, यानी कि आपको पूछा गया है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
पर सेकेंड इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ ऑसिलेशन। यदि आप बात करें दोस्तों एक वेव की, तो यहाँ पर आपने एक वेव ले ली, यानी कि तरंगा आपने ली दोस्तों। तो तरंग में आप देखते हैं जो ये साइकिल आपको दिखती है, यहाँ से लेके दोस्तों जब आप यहाँ पर जाते हैं, ये आपका वन साइकिल कंप्लीट होती है, यानी आप इसको कहते हैं वन ऑसिलेशन, यानी कि एक दोस्तों आप इसको क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई वेव ली यहाँ तक, तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं एक साइकिल ये है, एक साइकिल ये है, यानी कि यहाँ पर आप टू साइकिल देखते हैं। माना यहाँ पर आप ले लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वेव को जाने में 1 सेकंड लगता है, या फिर आप कहें यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में दोस्तों 1 यूनिट टाइम ये लेती है। तो जो नंबर ऑफ साइकिल होगा ऐसे वाले केस में, जो आपका 1 सेकंड में ट्रेवल हुआ है, इनको दोस्तों आप कहते हैं वेव की फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो ये वेव है इसी की दोस्तों क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी फ्रीक्वेंसी, यानी कि आप इनको कह देंगे फ्रीक्वेंसी, या फिर आप कहें दोस्तों आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ये आपका दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, यानी कि आवृत्ति कहलाएगी। यानी कि आप कह देते हैं जितने भी नंबर दोस्तों यहाँ पर चले हैं साइकिल के, या फिर आप कहें जितने भी चक्कर लगाए हैं, इनको दोस्तों आप क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो टाइम लगता है दोस्तों, इसे आप कहते हैं टाइम पीरियड। आप ध्यान देंगे टाइम पीरियड आप कहते हैं, या फिर आप कहें आवर्तकाल, आप इसको कहते हैं आवर्तकाल। और वैसे ही आप यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को देखेंगे, यानी कि ये आपकी दोस्तों क्या है, ये आपकी होमोजीनियस पोजीशन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो दूरी है दोस्तों, या फिर आप कहें जो यहाँ पे डिस्टेंस है, इसको आप कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, या फिर आप कह सकते हैं इसको आयाम। तो आप इनको याद रखेंगे, बार बार इनके आधार पर क्वेश्चन आते हैं, एम्पलीट्यूड है, या फिर आपका फ्रीक्वेंसी है, या फिर दोस्तों टाइम पीरियड है, इनको आप याद रखेंगे। और ये दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होती है, इसको आप कहते हैं वेव लेंथ, ये भी आप याद रखेंगे। ये आपका दोस्तों क्या कहलाएगी, वेव लेंथ कहलाएगी, यानी कि तरंग दैर्ध्य आप इसको कहते हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भार को मापने की इकाई क्या है, यानी कि आपको पूछा गया है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग वेट। यहाँ पर आपको यूनिटें दी हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सी यूनिट वेट को मापेगी, यानी कि मेजर करेगी। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, आपको डिवाले में पौंड दिया है, पौंड एक क्या होता है दोस्तों, भार का मात्रक होता है, यानी कि यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में पौंड में। और आप यहाँ पर बताएंगे 1 पौंड इक्वल टू क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द ब्लड प्रेशर ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, यानी कि आपको बताना है दोस्तों एक सामान्य व्यक्ति का, या फिर आप कहें सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है क्या होता है। यदि आप बात करें दोस्तों ब्लड प्रेशर की, यानी कि आप बात करें यदि रक्तचाप की, तो ये सामान्य मानव के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, ये आपका लोअर वाला होना चाहिए 80 और अपर वाला 120, यानी कि दोस्तों आपका 80 to 120 mmHg होना चाहिए। mmHg कहने का मतलब है मिली मीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि आप दोस्तों मरकरी के माध्यम से ही, यानी कि पारे के माध्यम से ही आप इसको देखते हैं। आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में जब आप दिखाते हैं, तो वहाँ पर पारे का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, यानी कि पारे के आधार पर दोस्तों आपका 80 to 120 mm होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप देखते हैं डी वाले को, तो यहाँ पर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वन संपदा को हमें, यानी कि आपको पूछा गया है फॉरेस्ट रिसोर्सेज मस्ट बी, यदि आप बात करें दोस्तों जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं, यानी कि जो हमारे जो वन संपदा होती है, वन संपदा को दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर आपको पूछा गया है, बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। पहला आपको दिया बर्न्ट, यानी कि जलाना चाहिए, या प्रोटेक्ट करना चाहिए, या यूटिलाइजेशन फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन, या फिर आपको दिया है क्लियर फॉर यूज। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वाले में, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्टेड कहेंगे, यानी कि आपको दोस्तों वन संपदा को बचाना चाहिए, यानी कि उसको संरक्षित करना चाहिए। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है, यानी कि आपको पूछा गया है, प्रोटेक्टेड अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन ऑफ द सन। यदि आप बात करें दोस्तों जो सूर्य से आने वाली
अल्ट्रा वॉयलेट रेज होती हैं, या फिर आप कहें जो अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन होता है दोस्तों, यानी कि विकिरण होता है, विकिरण होता है जो कि क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से हार्मफुल होता है बॉडी के लिए, यानी कि सारी स्पीसीज जो होती हैं, जीव जो होते हैं दोस्तों, मैक्सिमम के लिए आपका हानिकारक होता है। तो इसको रोकने के लिए एक प्रकार से जो हमारा एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर है दोस्तों, यानी कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में यदि आप देखेंगे समताप मंडल के दोस्तों ऊपर ही ओजोन मंडल है, यानी कि ओजोन लेयर वहाँ पर एक प्रकार से पूरी फैली हुई है। तो वहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो O3 गैस है लगातार यूवी रेज को क्या करती है, यूवी रेज को दोस्तों एब्जॉर्ब करती है। एब्जॉर्ब करने का मतलब है इसको अवशोषित करती है, और अवशोषित करेगी दोस्तों क्या होगा, इससे मैक्सिमम जो यूवी अमाउंट है, यानी कि जो यूवी की मात्रा है दोस्तों, वो एब्जॉर्ब हो जाती है और बहुत ही कम मात्रा में अर्थ तक पहुँच पाती है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों जो ओजोन लेयर होती है वायुमंडल में वो बचाती है, तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, ओजोन लेयर में। तो ये रहे दोस्तों आपके 15 क्वेश्चंस जो आपने सामान्य विज्ञान के देखे, जो कि जोधपुर में पूछे गए थे। और भी लगातार क्वेश्चनों को आपको बताते रहेंगे, हमारे साथ ही बने रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें दोस्तों, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और आप शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।